मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ बैठक की है सर, क्या रहा बैठक का मोटिव, क्या रहा और किस तरह से बैठक में जो है वो आगे की तैयारियां की जाएं? कुल मिलाकर सभी विभागों की जो गंगा किनारे सभी विभागों की जो योजनाएं थी उन योजनाओं की एक समीक्षा बैठक थी, क्या प्रगति है। तो सभी उन लोगों ने अच्छा रिपोर्ट दिया, अच्छी प्रगति है। अलग अलग विभाग, ऊर्जा है, वन विभाग है, कृषि है, जल जीवन मिशन है, सभी विभाग क्या क्या काम कर रहे हैं हर प्रकार से, उनकी एक समीक्षा बैठक थी। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, उसी के बिंदुओं पर चर्चाएं हुई है सर? कुल मिलाकर जो बिंदु है उसी बिंदुओं पर ही चर्चा आगे के लिए। आप तो निवेश के लिए भी गए थे बाहर, कितना सर निवेश 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 का क्या उम्मीदें कर रहे हैं? एक उत्तर प्रदेश को लेकर एक लोगों के अंदर उत्साह भी है। मैं सिंगापुर भी देखा, सिडनी भी देखा, लोगों की उत्साह है। जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, राज्य के अंदर शांति है, दंगा फसाद नहीं है, न गुंडागर्दी है, न भ्रष्टाचार है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश का मैसेज अन्य देशों में भी है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का जो नेतृत्व है और जो काम है वो वहाँ सिंगापुर में भी चर्चा है, सिडनी में भी देखा। इसका निवेश आतुर है आने के लिए और निवेशक ने एमयू भी किया है, बड़े पैमाने पर किया है सिंगापुर में, वहाँ भी लगभग 22,000 करोड़ के ऊपर सिंगापुर, वहाँ भी है इसी तरह 22,000। तो एक तरह का अच्छा निवेशकों ने किया है और हमें लगता है कि और लोग उत्तर प्रदेश की तरफ भागेंगे और हिंदुस्तान की तरफ भागेंगे। कारण है जो दुनिया के अंदर ये आमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में, इसके प्रति लोग आकर्षित हुए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने कहा कि बैठक में उन बिंदुओं पर चर्चा की गई जिसको लेकर नमामि गंगे परियोजना को आगे बढ़ाना है और सभी बिंदुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके चर्चा की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश लाने के लिए जो दूसरे देशों के जो बड़े उद्योगपति हैं वो आतुर हैं और यहाँ का माहौल, यहाँ की चीज़ें देख कर वो सब के सब जो है वो कई MOU भी साइन कर चुके हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। नए भारत का नया उत्तर।